Nicholas 6:1. A man has pulled a cord through 35 meters, applying a force of 300 newton. Find the work done by the man. तो हमें ये कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो कि एक कार्ड को पुल कर रहा है, ठीक है, और उसने कार्ड को 35 मीटर तक पुल किया या खींचा इसको, और उसने जो फोर्स लगाई है वो 300 न्यूटन की फोर्स लगाई है। तो अब हमने जो इसने काम किया इस कार्ड को खींचने में, जो वर्क डन है उसका, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए जी हमने जो गिवन डेटा है इसमें अगर आप देखें तो फोर्स हमें दी गई है, ठीक है, फोर्स जो है वो कितनी है, 300 न्यूटन है। उसके अलावा डिस्टेंस हमें बताया गया कि उसने ये जो आदमी है इसने ये जो कार्ड खींची है ये 35 मीटर तक खींची है, तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और एस इज इक्वल टू जो है 35 मीटर आ गया। और हमने वर्क फाइंड करना है तो वर्क को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और ये चीज हमने फाइंड कर ली है। अब इसके बाद सोल्यूशन की तरफ अगर चलें तो एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वर्क डन का जो फार्मूला है वो होता है जी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपके बुक के अंदर टॉपिक भी है। अगर आप उसको वहां पर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्क जो है ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमें वर्क पता चल जाता है। तो फोर्स की वैल्यू हमें 300 गिवन थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स की जगह 300 वैल्यू पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई एस है तो एस की जगह 35 यानी कि डिस्टेंस ये पुट कर देंगे। उसके बाद आप कैलकुलेटर की मदद से 300 को 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10,500 आ जाएगा। और जो वर्क है इसका जो यूनिट है वो जाउल होता है, तो इसलिए आप इसके साथ ये जे लिखेंगे यानी कि जाउल। तो ये आपका पहला जो न्यूमेरिकल है 6.1 वो हल हो चुका है। अगर एक आदमी एक कार्ड को पुल करे 300 न्यूटन की फोर्स लगाए और उसको 35 मीटर तक पुल करे तो उसे 10,500 जाउल का काम करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल है जी 6.2। अब ब्लॉक